जनपद संबल सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोसी मार्ग स्थित कुष्ठ रोगियों के 10 परिवारों को नया घर बना के देने के डीएम मनीष बंसल के संकल्प में आज पूरा होने पर पहुंचे कमिश्नर, और जहां 10 परिवारों को घर में हवन कराने के बाद प्रवेश कराया गया। ये संबल सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोसी रोड स्थित, जहां 1 करोड़ रुपये की लागत से 10 परिवारों को घर देने के संकल्प को पूरा होने पर कमिश्नर ने दी जानकारी। आइए जानते हैं कमिश्नर से। दिव्य सेवा आश्रम जो बनाया है, ये प्रशासन और लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से कुछ गणमान व्यक्तियों ने जो मिलकर 10 परिवारों के लिए घर बनाने का संकल्प किया, उसमें से 3 घर बना के दे भी दिए और बाकी अभी निर्माणाधीन है। ये बहुत बेहतर उदाहरण है कि हम समुदाय के सहयोग से कितना बेहतर कर सकते हैं। संबल ने एक बेहतर उदाहरण किया है। मैं जिलाधिकारी, उनकी पूरी टीम और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया एक साथ मिलकर, उन सबको बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूँ। एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम अपने समाज में हर एक व्यक्ति का किस तरीके से ध्यान रखें और जो भी जिनके पास भी थोड़ी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य का उपयोग उनको समर्थ बनाने के लिए करें जो थोड़ी खराब कंडीशन में है, तो हम एक बराबर का सामंजस्यपूर्ण और समतापूर्ण विकास कर सकें। और मैं सारे लोगों को इस बात के लिए बताएंगे, समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहूँगा, सिर्फ यही संदेश है कि अगर सारे लोग एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, अगर एक समतापूर्ण विकास की अगर आकांक्षा करते हैं आप, तो आपको उसमें कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। केवल आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, सरकार की या कुछ व्यक्तियों के या किसी के भरोसे नहीं रह सकते, आपको खुद आगे बढ़कर समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और जहां समस्या नहीं है, विकास का एक लेवल अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि समस्या का न होना ही विकास की सबसे प्राथमिक शर्त है। अपने आप उसके बाद का विकास होता है।